चिलचिलाती धूप व उत्सम भरी गर्मी से निजात पाने को लेकर कांवरिया रात में चलना पसंद करते हैं, परंतु रात में बिजली कटते ही समस्त कांवरिया पथ अंधकारमय हो जाता है, जिससे कांवरिया को चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कांवरिया को रात में चलने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मुंगेर जिला प्रशासन की ओर से कमराय से लेकर कुमारसर तक जेनरेटर एवं जगह जगह पर ट्यूबलाइट की व्यवस्था की गई है, परंतु बिजली कट जाने के बाद यह सब तामझाम धरा रह जाता है और कांवरिया भी विवश होकर अपने फोन के टॉर्च को जला करके चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी से आए हुए कांवरिया प्रद्युमन कुमार ने कहा कि रात को चलने में गर्मी व धूप से बचाव होता है और पैर भी नहीं जलता है, परंतु लाइट कट जाने के बाद पथ के साइड में झाड़ी रहने की वजह से चलने में भय व्याप्त होता है। सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का डर हमेशा बना रहता है। लाइन कटी थी देरी पे, पास में नला है, नला में से तार गुजर बिजली निकल गए, बम लोग को काट लिया तो बहुत दिक्कत होगा। कितने देरों से लाइट कटा हुआ है? आधा एक घंटा से। आधा घंटे से लाइट कटी हुई है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम कब तक बाबा को जल अर्पण कर दीजिएगा? बाबा का जो और काम तो कर। क्या नाम हुआ? सुधीर यादव। कहाँ घर हुआ? बलिया। बहुत परेशानी है, चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, रास्ता में दिख नहीं रही है। जो बताइए। बगल में नदी है और लाइट कटा हुआ है, बगल में सांप निकल रहता है, हम लोग का दिक्कत भी हो सकता है। बार बार लाइन कट रहा है। कितने देरों से लाइट कटा हुआ है? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से लाइट कटा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं किसान घर से। कहाँ से जल उठाए थे? किसान घर से जल उठाया, हम लोग आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत कुमार शर्मा।